हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कस गजेंद्र। मेरा नाम है गजेंद्र और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप फेसबुक पे लीड जनरेशन कैंपेन कैसे रन कर सकते हो गाइस। और गाइस, मैं आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, कैंपेन को स्टार्ट से एंड तक और एडवांस वर्जन तक कैसे बनाना है गाइस। और गाइस, आपको कम से कम अमाउंट स्पेंड करके अच्छी क्वालिटी की लीड कैसे लाना गाइस, वो सब कुछ बताने वाला हूँ, प्लस कैसे टारगेटिंग करना है गाइस। तो गाइस, अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। प्लस गाइस, और अगर आपको फेसबुक के एडवांस लेवल का कोर्स पूरा ट्यूटोरियल देखना है गाइस, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो गाइस। सो गाइस, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैंपेन कैसे सेटअप करना है, लीड जनरेशन कैंपेन कैसे सेटअप करना है और क्या वन बाय वन स्टेप्स हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले अपन को डिस्कस करना है, सबसे कैंपेन सेटअप करने से पहले आपको क्या करना है गाइस। इनिशियल लेवल पे आपको अपने पेज पे जाना है, जो आपका पेज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फेसबुक पेज है गाइस, इसके लिए मेरे को फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन बनाना है, राइट। सो गाइस, इस लीड जनरेशन कैंपेन बनाने से पहले जिस स्पेसिफिक पेज पे वो लीड जनरेशन कैंपेन रन करना चाहते हो गाइस, उस पेज पे आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप डायरेक्टली जो ट्रैफिक आएगा वो उस फॉर्म पे लैंड होगा और वहीं पे उस फॉर्म पे ही फॉर्म फिलअप करेगा, राइट। क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप ट्रैफिक ड्राइव कहाँ करोगे, फेसबुक फॉर्म, फेसबुक फॉर्म पे सब कुछ होने वाला, तो आपको फेसबुक फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना गाइस, आपको अपना फेसबुक पेज के अंदर जाना है, पेज के अंदर आपको यहाँ बटन दिखेगा पब्लिशिंग टूल्स, उस पब्लिशिंग टूल्स पे आपको क्लिक करना है। देन गाइस, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, देन आपको नेक्स्ट मेन्यू क्लिक ओपन होगा, देन गाइस पब्लिशिंग टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म लाइब्रेरी, फॉर्म लाइब्रेरी पे क्लिक करना है गाइस। देन गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन, राइट, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। Then new form, next, then form type, यहाँ पे हमेशा आपको form type हमेशा higher intent रखना guys, क्योंकि अगर higher intent रखोगे तो आपको quality lead मिलेगी guys, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप form का नाम रख सकते हो lead generation digital गजेंद्र, ये मैं फॉर्म का नाम रख रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप भी अपने हिसाब से फॉर्म का नाम रख सकते हो। देन यहाँ पे इंट्रो आएगा, इंट्रो में इसमें आपको अगर आप इमेज जो एड चला रहे हो उस एड से डायरेक्टली फोटो ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है और कुछ नया इमेज ऐड करना तो आपको यूज अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पे मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ गाइस। मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं फाइनल नहीं है, बट मैं आपको मेरे हिसाब से कुछ भी मतलब नॉर्मली कुछ भी एड इमेज अपलोड करके बता रहा हूँ गाइस। लाइक मैंने ये अपलोड इमेज किया गाइस, ऐसा कुछ दिखेगा जब आप अपना यहाँ पे हमेशा कुछ आपका जो बैकग्राउंड इमेज को अच्छा बैकग्राउंड इमेज अपलोड करना चाहिए आपके बिजनेस के रिलेवेंट हो, क्योंकि कोई भी एड पे क्लिक करेगा डायरेक्टली इस फॉर्म पे जाएगा, राइट, तो उसको कुछ फील होना चाहिए एक नहीं आ रहा बिजनेस के बारे में, लाइक वेबसाइट की तरह काम करेगा ये फॉर्म, ठीक है। मैं आपको ऐसी एग्जांपल बताया यहाँ पे, बट आप रिलेवेंट फॉर्म अपलोड कर सकते हो, सॉरी इमेज अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे हेडलाइन होगी, तो मेरा हेडलाइन मैं रखता हूँ लाइक इनबाउंड मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो आप जो अपना हेडलाइन है मेन वो रख सकते हो। यहाँ पे पैराग्राफ में या लिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं पैराग्राफ रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे आप जो आपके मेन फीचर मेन यूएसपी है बिजनेस के वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक मैं मेरे यूएसपी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं मेरे यूएसपी यहाँ से कॉपी करता हूँ गाइस, लाइक ये मेरे यूएसपीज हैं, तो मैं मेरे यूएसपी यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा हेडलाइन में चेंज कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चंस, आप उस फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो गाइस,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट है, सॉरी मेरे को अभी इसमें नहीं जाना है, मुझे इस क्वेश्चन की बजाय पहले जो प्रीफिल क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पे मेरे को एक बार यहाँ पे लिखना है टाइटल इस क्वेश्चन के लिए, प्लीज़ फिल द फॉर्म, वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ईमेल नाम, ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, देन यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट फील्ड से और ले सकते हो, लाइक फ़ोन नंबर हो गया, देन मेरे को और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईमेल हो गया फर्स्ट टाइम फ़ोन नंबर, देन मेरे को सिटी चाहिए गाइस। ये मतलब आपको आपके बिजनेस के रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरे बिजनेस के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ऐड कर दी। और कस्टम क्वेश्चन कुछ ऐड करने यहाँ से आप ऐड कर सकते हो गाइस। ये प्री फिल क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और देन प्राइवेसी, यहाँ पे प्राइवेसी लिंक, प्राइवेसी का लिंक डालना है, लाइक प्राइवेसी टेक्स्ट डालना है पहले प्राइवेसी, ठीक है। अब प्राइवेसी का लिंक डालना है, लाइक मेरी कंपनी है तो मेरा प्राइवेसी का लिंक, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अगर गाइस आपको प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर आपकी प्राइवेसी, आपकी वेबसाइट ही नहीं है तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लिखोगे आप? सिंपली यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख सकते हो, बस दैट्स इट, ठीक है गाइस। देन रिव्यू स्क्रीन, देन कंप्लीशन, ये जब कोई फॉर्म फिलअप कर देगा ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद थैंक्स यू ऑल सेट, देन आपको कॉल टू एक्शन में क्या रखना, यूट्यूब वेबसाइट रखना है, वेबसाइट हो तो, या फिर कॉल बिजनेस, अगर वेबसाइट नहीं हो तो कॉल टू बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पे कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हो, लाइक कॉल अस, आपको जो भी ऐड करना, ठीक है। और आपके नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, लाइक मेरे नंबर में लिखता हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इंडिया करता हूँ, ठीक है गाइस, जो आपके नंबर हो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। देन मैं अब ये सब फॉर्म कंप्लीट हो गया गाइस, देन मैं पब्लिश करता हूँ गाइस। सॉरी यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, योर फॉर्म मतलब मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, बट आपको यहाँ पे अच्छे से कस्टमाइज लिखना है, लाइक योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड आवर टीम विल गेट इन टच, समथिंग लाइक दिस, राइट, ऐसा कुछ लिखना है आपको। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देन आपको पब्लिश पे क्लिक करना है गाइस। सो गाइस ये आपका फॉर्म कंप्लीट बन गया गाइस, ये फॉर्म आपका आप देख सकते हो। अब मैं आपको प्रीव्यू करके बताता हूँ कि आपका फॉर्म कैसे दिखेगा फॉर्म बनने के बाद। वापस आपको यहीं पे जाना है फॉर्म लाइब्रेरी। सो गाइस ये फॉर्म है अपना, ये अगर ये फॉर्म है, और इन फ्यूचर अगर आपके कोई लीड फॉर्म, लीड जब फिल करती है तो फॉर्म आपको यहीं पे आना है और डाउनलोड पे क्लिक करके वो सब लीड डाउनलोड करनी गाइस। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, ये आपका फॉर्म है गाइस। कोई भी बंदा आप, आपके उस बट जब कैंपेन चल रहा है लीड जनरेशन, और उस कैंपेन पे जब क्लिक करता है एड पे, राइट, जो जो बटन होगा उस बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा राइट क्लिक, ऐसा फॉर्म दिखेगा। देन ये इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, देन सबमिट, ऐसा नॉर्मली ऐसे वर्क करता है फर्स्ट फेसबुक फॉर्म। सो गाइज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब अपन करते हैं कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन कैसे बनता है, ठीक है गाइज। क्रिएट अ कैंपेन, देन गाइस मेरा लीड जनरेशन कैंपेन है राइट, तो लीड जनरेशन सेलेक्ट करना है आपको, देन कंटिन्यू, देन यहाँ पे कैंपेन का नाम रखना है लीड जनरेशन लाइक मेरा, मैं लीड जनरेशन इंडिया में रन कर रहा हूँ तो इंडिया, मतलब आपको जैसा कैंपेन का नाम से आप आइडेंटिफाई कर पाओ आपके हिसाब से आप कैंपेन का नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कैंपेन का नाम रखने में। देन एडसेट में जाना है गाइस, यहाँ पे एडसेट का नाम रखना है
लीड जेन, लाइक मैं इसमें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट करने वाला हूँ, इंटरेस्ट प्लस डेमोग्राफिक प्लस डेमोग्राफिक, तो मैंने इसका नाम ही रख दिया क्योंकि इस पर्टिकुलर हेडसेट में मैं इंटरेस्ट प्लस डेमोग्राफिक बेसिस पे लोगों को टारगेट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम लीड जेन इंटरेस्ट प्लस डेमो कर दिया गाइस। ठीक है गाइस, देन यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, आई एग्री। ठीक है, देन आपका पे सेलेक्ट कर देना गाइस। देन मेरा यहाँ पे करेंसी यूएसडी में, मेरे यूएस में अकाउंट बना हुआ इसलिए यूएसडी बता रहा है, अगर आपका इंडिया में बना हुआ तो यहाँ पे रुपीज़ में बताएगा गाइस, इसका कोई इशू नहीं है गाइस। सो आपने बजट सेट कर दिया, लाइक मैंने डेली बजट सेलेक्ट किया $10 मेरा, आप जो भी आपका 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जितना भी आपको सेलेक्ट करना आप कर सकते हो गाइस। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे मेरा, अब मेरे को लोकेशन डालना है गाइस, किस कंट्री को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। हमेशा गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कंट्री डालो, मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ गाइस, किसी स्पेसिफिक सिटी को करना तो भी कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मेरे को हमेशा एक बात ध्यान रखना, लोकेशंस में हमेशा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है गाइस। ठीक है, जैसे हो जाता है गाइस, देन आपको आपका एज ग्रुप क्या है वो एज ग्रुप आप जैसे चेंज कर सकते हो, मेरा 18 to 65 ओके। देन जेंडर क्या है और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग गाइस यहाँ पे आ गया, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे लोगों को टारगेट करना है मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है गाइस, डिजिटल मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, देन बिजनेस ओनर, सॉरी मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं रखना है, सॉरी बिजनेस ओनर, ओके। ओके, जिसका टाइटल सॉरी बिजनेस ओनर एम्प्लॉयर इज फाइन, मतलब वो एम्प्लॉयर मीन्स वो खुद बिजनेसमैन है, राइट। तो गाइज आप समझ गए होंगे लाइक अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कैसे होती है गाइज। यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट डेमोग्राफिक जो भी होगा यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके देख सकता हूँ, इतने टाइप के लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, बिहेवियर बेसिस, इंटरेस्ट बेसिस, डेमोग्राफिक, राइट। और इसमें आपको डिटेल जानना है तो मेरा जो फेसबुक का दूसरा वीडियो, मैंने फेसबुक का डिटेल एक ट्यूटोरियल बना रखा है, वो आप वॉच कर सकते हो, फेसबुक प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हो गाइस। सो ये हो गया टारगेटिंग गाइस। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट, सो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है, क्लिक करना है। देन आपको हमेशा आपको यहाँ पे फेसबुक न्यूज़ फीड एंड इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड, ठीक है। देन मार्केट प्लेस को अनचेक करना है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को अनचेक करना है, फेसबुक स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरीज ओके, इंस्टाग्राम को अनचेक करना है, सर्च को अनचेक करना है, देन इन आर्टिकल को अनचेक करना है, एप इनसाइट्स को अनचेक करना है गाइस। सो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए गाइस तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड एंड स्टोरीज, दैट्स इट। आपको यहीं पे कैंपेन रन करना है गाइस, प्लेसमेंट यही सेलेक्ट करना है गाइस। ठीक है गाइस, देन आप देख सकते हो उस बजट में मेरे को कितनी लीड आएगी, 13 to 38 लीड आ सकती है मुझे डेली बेसिस गाइस, और रीच क्या रहेगा 11,000 to 31,000। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली रिजल्ट क्या है गाइस। ठीक है गाइस, सो ये हो गया एडसेट गाइस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अब आया अपना एड, तो यहाँ पे मुझे, मैं एड का नाम रख देता हूँ गाइस, लाइक मुझे एड का नाम रखना है मुझे Ad1। ठीक है, ये हो गया मेरा। देन मुझे अब मेरे को एड यहाँ पे सिंगल इमेज एड करना है या फिर कराउजल एड करना है, तो मेरे को यहाँ पे मेरे को सिंगल इमेज एड करना है, मेरा इमेज ऑलरेडी देर है, मैं इमेज ये डाल रहा हूँ अभी आपको एग्जांपल बताने के लिए डाल रहा हूँ गाइस, ये रियल कैंपेन नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, देन मेरा टेक्स्ट क्या है, मेरा प्राइमरी टेक्स्ट ये है, लाइक मेरा एड का कॉपी क्या रहेगा गाइस। ठीक है, तो मेरा एड का कॉपी मैं ऐसे ही वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरा लाइक रियल कैंपेन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे डेमो बता रहा हूँ। सो मैं अभी ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं रेड कॉपी को यहीं से, ठीक है, आपको अपने हिसाब से जो जिस रिलेवेंट कैंपेन रन करना उसके हिसाब से अपना एड कॉपी गाइस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एड कॉपी बहुत अपीलिंग होना चाहिए गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एड कॉपी अच्छा नहीं होगा तो लोग उस एड पे क्लिक नहीं करेंगे गाइस। ठीक है,
एड कॉपी बहुत अपीलिंग होना चाहिए, प्लस आपका इमेज भी बहुत ज़बरदस्त लेवल का, उसका डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक बार देखते ही आपके कैंपेन एड पे क्लिक करें लोग, ठीक है गाइस। देन आपका हेडलाइन आपको हेडलाइन डालना है आपको, लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, ठीक है। देन ये ऑप्शनल है, ये कोई ऐड करना जरूरी नहीं है गाइस। देन अब मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन ऐड करता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है गाइस। ये मेरा फॉर्म आ गया है, नीचे आप देख सकते हो ये मेरा फॉर्म आ गया है, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं है तो यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि अपने ऑलरेडी फॉर्म बना दिया है, तो मेरे को फॉर्म सेलेक्ट करना है। आपको अभी मैंने बताया फॉर्म कैसे बनाते हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने फॉर्म सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक चैट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक ऐड करना है, लाइक कस्टमर आपको उस मतलब क्लिक करते ही उस बटन पे आपको मैसेंजर पे आ जाए, आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, तो आप ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। मैं फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ वापस, देन गाइस आपने पिक्सल इंस्टॉल कर रखा होगा, तो पिक्सल पे चेक कर लीजिएगा जो पिक्सल हुआ है, ठीक है। मैंने पिक्सल ऑलरेडी दे रहे, वो पिक्सल यहाँ पे आ गया। सो गाइस देन आप यहाँ पे मैं हमेशा गेट अ कोट रख सकते हो, आप गेट ऑफर भी रख सकते हो उसमें, जो आपको लगे बेटर ऑप्शन है आप ट्राई कर सकते हो कौन सा बटन अच्छा वर्क कर रहा है। सो गाइस ये रह गया अपना लीड जनरेशन कैंपेन कंप्लीट हो गया गाइस। देन आपको पब्लिश पे क्लिक करना है गाइस। सो पे पब्लिश हो रहा है, और गाइस ये अपना लीड जनरेशन कैंपेन कंप्लीट बन गया है गाइस। और गाइस आपका जब से कैंपेन चलेगा उसके बाद आपको देखना होगा लीड कितनी आ रही है, क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लीड तो वहाँ पर कैंपेन में दिख जाएगी, बट आपको डाउनलोड जब करनी पड़ेगी तो आपको हमेशा यहाँ पे आना पड़ेगा आपके पेज के अंदर, जो मैंने आपको बताया फॉर्म लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे फॉर्म बनाया था। देन ये डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ से आपको डाउनलोड करना है गाइस। सो गाइस आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर फेसबुक लीड जनरेशन। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। एंड गाइस और भी आपको कुछ क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस, आई विल हेल्प यू आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @digital.gajendra पे, और डायरेक्टली आप मुझे DM कर सकते हो गाइस, मैं वहाँ पे भी आपकी हेल्प करूँगा गाइस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।